हेलो एवरीवन, माय नेम इज सलमान शौकत एंड वेलकम बैक टू मानी व्लॉग्स। सो गाइज, आज की व्लॉग के अंदर मैं जो वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ, वो बात करने वाला हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर। वंस अगेन हम लोगों का मिडिल ऑर्डर एज यूजुअल फ्लॉप आज फिर हुआ है। आज फर्स्ट मैच है ट्राई सीरीज का जो पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान चल रही है। बट अगेन हम लोगों का जो प्रीवियसली तकरीबन आई मस्ट से एक साल से जो हमारा मिडल ऑर्डर वो फ्लॉप हो रहा है, आज फिर फ्लॉप हो रहा है। आज फिर हम लोगों ने देखा कि रिजवान ने 78 स्कोर किए, जो कि अच्छे स्कोर थे और अच्छा उसने परफॉर्म किया। और बाबर आजम भी थोड़े आउट ऑफ फॉर्म है, आज फिर वो आउट ऑफ टच नजर आए। ऑल्दो पिच जो थी काफी बैटिंग थी, बट स्टिल उनसे परफॉर्म नहीं हो सका। उसके बाद शान मसूद ने अच्छी फाइट की, 31 रन की इनिंग खेली, बट आई गेस सिचुएशन के हिसाब से उसने आके अटैक करना शुरू किया, जिससे रिजवान को भी काफी जो है ना अच्छा सपोर्ट मिली और उसने अच्छा खेला। बट अगेन हैदर अली फिर एक और चांस उन्होंने मिस किया। बांग्लादेश की टीम थी, वो अच्छा खेल सकते थे, बैटिंग पिच थी, कंडीशंस बहुत अच्छी थी, बट उन्होंने फिर से जो है ना अपने जो चांस है उसको गवाया। उसके बाद इफ्तिखार की बात करें तो इफ्तिखार ने अटैक करना शुरू किया, बट इफ्तिखार की यही प्रॉब्लम हम लोग काफी अरसे से देख रहे हैं कि उसने कभी भी अपनी इनिंग्स को लंबी लेकर नहीं जा सका। आज फिर वो आया, उसने 13 रन की इनिंग खेली, उसके बाद वो आउट हो गया। वो एक दो हिट्स अच्छी लगाता है, बट उसके बाद वो फिर आउट होके चला जाता है। अभी मैं उसको देख रहा था कि उसकी थ्रू आउट जो उसका कैरियर है इंटरनेशनल, सिर्फ 150 उसने स्कोर किया। और एज अ मिडल ऑर्डर बैट्समैन आई डोंट थिंक सो कि ये कोई अच्छे स्टैट्स हैं आपके लिए। उसके बाद आसिफ अली अगेन शॉर्ट बॉल के ऊपर वो आउट होके जा रहे हैं। आसिफ अली का सब आई मस्ट से कि सब टीम्स को अब उसकी वीकनेस का पता चल चुका है कि वो स्पिनर्स की जो है लेग स्पिनर की गुगली उससे रीड नहीं होती, बाउंसर्स पे वो बहुत इजीली आउट हो सकते हैं। वो सिर्फ जो फुल लेंथ बॉल होती है उसी को हिट कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ इस चीज पे हैरान हूं कि वर्ल्ड कप से पहले हम लोगों ने एशिया कप के बाद हमारे पास 7 मैचेस की सीरीज थी इंग्लैंड के खिलाफ, उसके बाद अब हम लोग ये ट्राई सीरीज खेलने गए हैं। हम लोगों को अपनी नई चीजें आजमानी थी, टेस्ट करनी थी। हम किसी भी टीम को देखें, वो इंडिया हो, वो इवन के बांग्लादेश हो, वो अपने नए लड़कों को ला के चांस दे रहे हैं ताकि वर्ल्ड कप से पहले वो अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 जो है वो चूज कर सकें। बट हमारी टीम सेम प्लेइंग 11 जो एशिया कप में थी वही इंग्लैंड के खिलाफ रही, अभी भी वही सेम लेके चल रहे हैं। ना वो शुएब मलिक को लाना चाह रहे हैं, ना वो शर्जील को चांस दे रहे हैं। बाबर आजम अपना जो है बैटिंग ऑर्डर चेंज करके टेस्ट कर सकते थे, मे बी वर्ल्ड कप में दोबारा वो ओपनिंग कर लेते, बट जस्ट फॉर यू नो टेस्ट करने के लिए वो अपना मिडल ऑर्डर वो खुद वन डाउन आ जाते, ओपनिंग वो किसी से भी करवा सकते थे, शर्जील को टेस्ट कर लेते, वो नेशनल T20 और डोमेस्टिक में इतनी अच्छी बारियां खेल के जा रहे हैं। बट अगेन मुझे नहीं पता कि ये लोग क्यों इस तरीके से अपना कर रहे हैं, और अभी भी इनके पास टाइम है। मैं तो अभी भी कहूंगा कि अगर चाहें करना चाहें कर ले, अदरवाइज इसी मिडल ऑर्डर के साथ वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के खिलाफ हम लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। अब 168 रन का टारगेट दिया है। आई होप ये पाकिस्तान अपनी बॉलिंग जो है ना स्ट्रेंथ की वजह से अगेन ये मैच जीतेगा और देखें टारगेट चेज कर सकते हैं कि नहीं। बट वेरी डिसअपॉइंटेड वंस अगेन विद आवर बैटिंग परफॉर्मेंस।